हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं परवल की बहुत ही टेस्टी सी, एकदम डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई सब्जी। तो इसके लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम परवल, जिसे कि हमने साफ धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो किनारे का जो पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। परवल को धो लिया है और हमने इसके जो किनारे हैं इसको ऐसे कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बीच में से इसका सचीरा लगाएंगे। हमको इसको पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा सा भाग को बचाना है और इसको ऐसा प्लस में ऐसा चीरा लगा देंगे। इस तरह से हम अपने सारी परवल को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने अपने सारी परवल में कट लगा लिया है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं परवल की टेस्टी सी सब्जी, जिसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दिया है और ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें परवल डालेंगे और इसे एकदम तेज फ्लेम पर तल लेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर ही तलना है। और इस तरह से हमें इसे उलटते पुलटते हुए हल्का सा कलर चेंज होते तक तल लेंगे। एक बार आप मेरे स्टाइल से परवल की सब्जी जरूर बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसका टेस्ट एकदम अलग आता है। देखिए, इस तरह से हमने परवल को 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर तल लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये हमारी जो परवल है एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं ऑयल से। जिस तेल में हमने परवल को तला था उसी तेल को हम यूज़ करेंगे। तो उसमें से थोड़ा सा तेल हमने निकाल लिया है और तेल अभी भी गर्म है, तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़े से इसमें डाल देंगे हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही हमने ले लिया है एक बड़ा प्याज, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इसको मिला करके इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसको डाल देते हैं ऑयल में और इसे अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता। और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। देखिए, जो हमारा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो हमारा मसाला भून के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे नमक और इन सारे मसालों को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। सारे मसालों को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आएगा। और इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस कभी भी ग्रेवी वाली सब्जी में डालो तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुआ 1 टमाटर।
और टमाटर को गलते तक इसे पका लेंगे। टमाटर को गलने के लिए इसमें 2 चम्मच हम पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। देखिए हमने मसाले और टमाटर को पका लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। जो हमारे टमाटर है गल चुके हैं और जो सब्जी है उसने भी, मसालों ने भी ऑयल रिलीज कर दिया है। तो यह हमारी ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो तले हुए परवल थे, उसको इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखिए अभी इसे कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए हमने परवल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत है उतना पानी डालिएगा। मैंने इसमें डाल दिया 1 कप पानी और अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं और इसे ढक करके पका लेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए जो हमारी परवल की सब्जी है, जिसे कि हमने 5 से 7 मिनट तक पका लिया है और ये हमारी सब्जी पक करके बिल्कुल तैयार है। इतना बढ़िया कलर आया है और इसकी जो ग्रेवी है वो भी देखिए काफ़ी ठीक हो गई है। आ रहा है ना अभी से मुंह में पानी। तो आप मेरे स्टाइल से परवल की ग्रेवी वाली सब्जी बना के ज़रूर देखिए। अब हम इस पर डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया और ढक करके फिर से इसे 2 मिनट तक ऐसे रख देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर निकालेंगे इसे सर्विंग प्लेट में। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी सुपर टेस्टी, सुपर यमी, झटपट बनने वाली एकदम डिफरेंट स्टाइल की परवल की ग्रेवी वाली सब्जी। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर पराठे के साथ। तो मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।